पांच राज्यों के चुनावी नतीजे पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी। रणदीप जी, ये जो पूरा पांच राज्यों का जिस तरह से रिजल्ट आया है, किस तरह से कांग्रेस देखती है? पंजाब में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। गोवा और मणिपुर में आंकड़े और रुझान दिखा रहे हैं कि हम जीत की ओर अग्रसर हैं। यूपी और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने शानदार जीत दर्ज की है, ये सच्चाई है। यूपी और उत्तराखंड की जीत के लिए बीजेपी और मोदी जी को ढेरों शुभकामनाएं, मुबारकबाद। हम यूपी और उत्तराखंड की जनता का निर्णय सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। हाँ, जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, ये उनके लिए सीख भी है, क्योंकि कांग्रेस ने भाजपा अकाली दल से पंजाब छीन लिया। गोवा में उनके खुद के बीजेपी के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर जी हार गए और कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर है। तो इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत तो संभव नहीं। हाँ, जहाँ यूपी में जीते हैं वो उत्तराखंड में जीते हैं, हम सहर्ष उसे स्वीकार करते हैं। हम अपनी गलतियों और कमियों को देखेंगे, सुधारेंगे और जनता के प्रहरी बनने का एक सतत प्रयास करेंगे। मायावती जी ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं टेम्परिंग हुई है, उसका परिणाम है इस तरह का उलटफेर। क्या कांग्रेस इससे सहमत है? मैंने उनका, सुश्री मायावती जी का पूरा बयान अभी नहीं देखा। हाँ, एक बात सच है, हमने सहर्ष मोदी जी और भाजपा को उनकी जीत की मुबारकबाद दी है। पर एक बात और भी सच है कि सुश्री मायावती जी हमारी राजनीतिक तौर से चाहे भिन्न पार्टी से हों, एक जिम्मेवार राजनीतिज्ञ हैं। और जब एक जिम्मेवार राजनीतिज्ञ प्रजातंत्र की पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तो वो चाहे सही हो या गलत, उस संशय और शंका को दूर करने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। इसी से प्रजातंत्र मजबूत होगा। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। ये थे रणदीप सुरजेवाला जी, जो कह रहे थे कि चुनाव आयोग को इस मसले को देखना चाहिए। राजेश कुमार सिंह, GSTV, दिल्ली।